लॉकडाउन में दूरदर्शन पर 80 और 90s के दौर के सुपरहिट शो दोबारा टेलीकास्ट किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है श्रीमान श्रीमती। जी हाँ, 5 साल तक चला ये शो अपने जमाने का एक सक्सेसफुल कॉमेडी शो था, लेकिन आज जब ये शो एक बार फिर से ऑडियंस के बीच है तो ऐसे में केशु यानी केशव कुलकर्णी की याद आना लाजमी है। जी हाँ, वैसे तो इस शो में दिवंगत एक्ट्रेस रीमा लागू, एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह और राकेश बेदी ने भी कमाल का काम किया, लेकिन अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग से केशु हर दिल में बस गए। मगर सबको हंसाने वाले केशु के साथ एक दिन वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। ये वक्त था साल 1999 का, जब महज 46 साल की उम्र में केशु इस दुनिया को अलविदा कह गए। दरअसल मात्र 46 साल की उम्र में उन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि केशु यानी जतिन कनकिया ने श्रीमान श्रीमती से ही अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, लेकिन इस सीरियल में उनकी एक्टिंग देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो पहली बार एक्टिंग कर रहे हैं। जतिन ने केशु का किरदार ऐसे निभाया था कि उनकी अमिट छवि आज भी लोगों के जहन में है, और ये जतिन कनकिया की कॉमेडी टाइमिंग और स्किल्स का ही कमाल था कि उन्हें प्रिंस ऑफ कॉमेडी का खिताब भी दिया गया। खैर, लेकिन इतना जबरदस्त स्टारडम उन्होंने महज 5 साल के छोटे करियर देखा। जी हाँ, दरअसल साल 1994 में श्रीमान श्रीमती से उन्होंने अपना डेब्यू करने के बाद करीब 20 से ज्यादा टीवी शोज और कुछ फिल्मों में काम किया। लेकिन अगर हम कहें कि इन 5 सालों के अंदर जतिन कनकिया ने सफलता और दौलत शोहरत से लेकर बुरे दिन तक देख लिए थे तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि 5 साल पहले उनके करियर की गाड़ी जरूर चली थी, लेकिन उस गाड़ी पर कैंसर की बेड़ियां पड़ गईं और फिर हो गई जतिन कनकिया की मौत। रिपोर्ट्स की माने तो कैंसर के कारण जतिन कनकिया के दिन बड़े दर्दनाक गुजरे। जो एक्टर स्क्रीन पर सबको हंसाता रहता था, वो असल जिंदगी में भी वैसा ही था। बताया जाता है कि जब जतिन अस्पताल में आईसीयू में थे और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराहट लिए ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन यकीनन अपने फैंस को जिंदगी भर की टीज दे गए।